आरडी शर्मा सॉल्यूशंस क्लास 11 चैप्टर 28 इंट्रोडक्शन टू 3D कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एक्सरसाइज 28.2 देख रहे हैं। यह है सवाल संख्या 10। इसमें कहा गया है शो दैट द पॉइंट ए बी सी डी आर द वर्टिसेस ऑफ स्क्वायर। इसमें आपको करना क्या है कि अगर आप सारे साइड बराबर बता दें किसी भी क्वाड्रिलेटरल के और अगर डायगनल्स भी इक्वल बता दें, डायगनल्स भी बराबर बता दें, तो ये वर्टिसेस होंगे स्क्वायर के। तो हम करने क्या वाले हैं, यह ए बी सी डी। ए पॉइंट दिया है 3 3 3, बी पॉइंट दिया है आपको 0 6 3, सी पॉइंट आपको दिया है 1 7 7, डी पॉइंट है आपका 4 4 7। आपको करना क्या है, सबसे पहले आप इसके डिस्टेंस निकालेंगे, ए बी का डिस्टेंस। डिस्टेंस फॉर्मूला तो आप सीख गए हैं, है ना, वाई टू माइनस वाई वन होल स्क्वायर। इसको आप अगर एक्स वन वाई वन जेड वन माने, इसको एक्स टू वाई टू जेड टू, तो वो एक्स टू माइनस एक्स वन होल स्क्वायर, वाई टू माइनस वाई वन होल स्क्वायर, जेड टू माइनस जेड वन होल स्क्वायर। इनको सबको प्लस करिए और रूट कर दीजिए जैसे यहाँ हुआ है, तो 3√2 ये डिस्टेंस आएगा। और आप देखेंगे कि जब आप BC निकालेंगे और CD निकालेंगे और यहाँ DA या AD निकालेंगे, सभी का जो दूरी है 3√2 3√2 3√2 है। चलिए ये तो हो गया, लेकिन ये तो और भी ऐसे फिगर हैं जिसमें ऐसा होता है ना। तो उसके लिए कंफर्मेशन के लिए हम क्या करेंगे कि ये डायगनल निकालेंगे AC। अब अच्छी बात ये है कि हमारे पास A और C दोनों पॉइंट है और हमको डिस्टेंस निकालना भी आता है। हम AC भी निकालेंगे और हम BD भी निकालेंगे, और ए सी और बी डी यानी कि इन दोनों का डिस्टेंस, इन दोनों का डिस्टेंस, ये दोनों डिस्टेंस निकालना आपको आता है। और ये दोनों आपके 6 आएंगे, यानी कि ये भी 6 ये भी 6। इसका मतलब ये हो गया कि वाकई में जो डायगनल से हमने शुरुआत की थी ये वर्टिसेस हैं स्क्वायर के। अगला सवाल कहा गया है कि प्रूव दैट द पॉइंट्स ए बी सी डी टेकन इन ऑर्डर आर द वर्टिसेस ऑफ पैरेललोग्राम, ऑल्सो शो दैट ए बी सी डी इज नॉट अ रेक्टेंगल। ठीक, तो हम इसमें करने क्या वाले हैं, हमें पता नहीं कैसा क्वाड्रिलेटरल है लेकिन मैं फिर भी बना देता हूं क्योंकि इसमें सवाल में कहा गया है कि भाई पैरेललोग्राम है। तो पैरेललोग्राम में आपको करना क्या है, यह ए बी सी डी टेकन इन ऑर्डर है, तो ए बी सी डी इस तरीके से आएगा। तो ए आपको दिया है 1 3 0, बी है आपका -5 5 2, सी आपका दिया है -9 -1 और 2, और ये डी दिया है आपका -3 -3 0। ठीक है, ए बी सी डी हो गया। अब इसमें अगर आपको इसको पैरेललोग्राम प्रूव करना है, पैरेललोग्राम का मतलब ये होता है कि अपोजिट साइड इसके बराबर हो, तो आप ए बी निकाल लीजिए और डी सी या सी डी निकाल लीजिए। तो ए बी अगर आप निकालेंगे और सी डी निकालेंगे तो आप देखेंगे ए बी और सी डी ये आपके बराबर आएंगे, क्लियर। फिर आप निकालेंगे बी सी और ए डी, बी सी और ए डी, इसमें कुछ करना नहीं है इसलिए मैं इसको प्रॉपर कर नहीं रहा हूँ क्योंकि ये सवाल इस तरीके से ही करना, बिल्कुल ऐसे ही करना है, डिस्टेंस निकालना है आपको। मैं आपको बस कॉन्सेप्ट समझा दे रहा हूँ कि आपको इसको इसके बराबर बताना है और इसको इसके बराबर बताना है, जब ये हो गया तब तक ठीक है। लेकिन आप देखिएगा कि आप इसको आपको बताना है कि रेक्टेंगल नहीं है, रेक्टेंगल नहीं है। तो यहां पर आप निकालिए ये एसी और यहां पर आप निकालिए ये बीडी। अब ये दोनों अगर इक्वल नहीं आते हैं, अब आप देखें ये दोनों वैल्यू आज आप निकालेंगे तो इक्वल नहीं आएंगे। इसका मतलब जब इक्वल नहीं है, एसी और बीडी इक्वल नहीं है, तो इसका मतलब ये रेक्टेंगल नहीं है, ये पैरेललोग्राम है। अगर ये रेक्टेंगल होता या स्क्वायर होता तो इसके डायगनल्स एक जैसे आते, बराबर आते। अगला जो सवाल है वो है सवाल संख्या 12। इसमें कहा गया है शो दैट द पॉइंट्स ए बी सी डी आर द वर्टिसेस ऑफ अ रॉम्बस। तो इसमें भी रॉम्बस और रॉम्बस बेसिकली डायमंड शेप्ड होता है, डायमंड शेप्ड होता है, और इसमें और स्क्वायर में बराबरी ये है कि चारों साइड इसकी इक्वल होती है। तो आप ए बी सी डी अगर आप निकालें
तो पहले आप ए बी निकालिए, मैं ए पॉइंट बता देता हूं आपको सवाल में क्या दिया हुआ है। ए है 1 3 4, बी दिया है आपको -1 6 10, सी दिया है आपको -7 4 7, और डी दिया है आपको -5 1 1। पहले आप ए बी निकालिए, आपका 7 यूनिट्स आएगा। बी सी निकालिए, यहां पर आपके सामने है सॉल्यूशन 7। सी डी निकालिए, ये भी 7 आएगा, और ए डी या डी ए निकालिए, वो भी 7 आएगा। अब सारी साइड जब चारों साइड इक्वल है तो ये या तो वो आपका रॉम्बस हो सकता है या आपका क्या हो सकता है, स्क्वायर हो सकता है। तो आप रॉम्बस इसको करेंगे क्योंकि इसमें एक चीज ये है कि आप एक काम कर सकते हैं कि कैसे हम बताएंगे। आप वैसे इस सवाल में करने की जरूरत नहीं, मैं आपको बता रहा हूं एक स्टेप और आगे ले जा सकते हैं। आप यहां पर इसकी डायगनल इसको देख लीजिए कि बाइसेक्ट करती है कि नहीं करती है, ठीक, उसके हिसाब से डिसाइड हो जाएगा ये रोमबस है या स्क्वायर है। अगला जो सवाल है, सवाल संख्या 13, इसमें कहा गया है प्रूव दैट द टेट्राहेड्रन विथ वर्टिसेस एट द पॉइंट ओ ए बी सी इज अ रेगुलर वन, इज अ रेगुलर वन। तो टेट्राहेड्रन का मतलब होता है टेट्रा, इसमें आपके देखिए 1 2 3 टेट्राहेड्रन इस तरीके से शेप बनता है, और टेट्राहेड्रन में आप ये मान लीजिए ये बेस है आपका, इसको जरा 3D की तरह सोचिए, ये 2D नहीं है, इसका ये बेस है और उसके ऊपर ये 3 लाइनें हैं, यानी कि ये पीछे वाली को थोड़ा सा अगर एंगल बना के बना दूं तो ऐसा समझिए इसको। तो इसमें कहा गया है प्रूव दैट द टेट्राहेड्रन विद वर्टिसेस ओ ए बी सी, ने ओ ए बी सी इज अ रेगुलर वन। रेगुलर कैसे होगा, देखिए पहले आप ओ ए निकालिए, ओ बी निकालिए और ओ सी निकालिए, अगर ये तीनों इक्वल आ जाते हैं, यानी कि ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, अगर ये इक्वल आ जाते हैं तो आप ये कह सकते हैं कि भाई ये बिल्कुल सही कहा आपने, ये रेगुलर टेट्राहेड्रन है। या फिर आप आपको उसको मैं दूसरी तरीके से बता दूँ, आप क्या करिए ए बी निकालिए, ये बी सी निकालिए और ए सी निकालिए, ये तीनों बराबर आ रहे हैं। इसी तरीके से अब आप निकालिए ये डी ओ ओ ए निकालिए, ओ ए फिर ओ बी फिर ओ सी, और आप देखेंगे ये सारे के सारे इक्वल आएंगे। कहने का मतलब अगर आप इस पॉइंट को अगर मैं लिख दूं, जो ओ है वो आपका ये 0.000 है, ये पहला सोल्यूशन है, ये दूसरा सोल्यूशन, दो अलग अलग सोल्यूशन दिए मैंने, ये और ये, दोनों ही सही हैं, दोनों को रेफर कर सकते हैं आप। तो इसमें क्या किया गया है कि आप ओ पॉइंट दिया है 0 0 0, ऐसे आपका ए पॉइंट आपको दिया हुआ है रेगुलर, का मतलब ये होता है कि सारे साइड बराबर होने चाहिए, बस रेगुलर का मतलब ये होता है। ए है आपका 0 1 1, सी आपका दिया है 1 1 0, और ये पॉइंट दिया है आपको बी 1 0 1। या तो आप ओ ए ओ बी और ओ सी निकाल के बता दीजिए, क्योंकि ये एक तरीके से हर जगह ट्रायंगल बन रहे हो, 1 2 3 ट्रायंगल बन रहे हैं, 3 फेसेस हैं इसके, 1 2 3 फेसेस बन रहे हैं, और जो ट्रायंगल्स बन रहे हो सारे के सारे इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तभी हम इसको टेट्राहेड्रन को रेगुलर कह रहे हैं। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर ये भी आप निकालें, ये 6 के 6 साइड निकालिए, 6 के 6 साइड को अगर आप बराबर कर देंगे, चाहे आप ये ट्रायंगल लीजिए, चाहे ये ट्रायंगल लीजिए, चाहे ये ट्रायंगल ले लीजिए, तीनों के तीनों आपके फेस रेगुलर का मतलब ये होता है कि उसके जो फेसेस होंगे वो बराबर होने चाहिए। जैसे अगर मैं क्यूब बनाऊं और मैं कहूं कि ये रेगुलर रेगुलर क्यूब है, वैसे तो क्यूब होता ही रेगुलर है, इसका तो एग्जाम्पल ही गलत हो गया, लेकिन फिर भी समझाने के तौर पर ये जो है ये दोनों फेसेस बराबर होने चाहिए, दोनों फेसेस बराबर होने चाहिए इस तरीके से, और ये जो ये वाला फेस और ये वाला फेस ये बराबर होना चाहिए। यही हमने किया, ये जो 3 इसके फेसेस बन गए इनको हमने इक्विलैटरल प्रूव कर दिया, तो उससे बता दिया कि रेगुलर आपका टेट्राहेड्रन है। अगला सवाल है शो दैट द पॉइंट्स, 4 पॉइंट दिए हैं, लाइव ऑन अ स्फीयर हुज सेंटर इज 1 3 4, फाइंड ऑल्सो इट्स रेडियस। तो एक स्फीयर है आपका, इसको 3D में अज्यूम करिए, 3D में, और सेंटर इसका दिया हुआ है ये 1 3 4, आपको बताना है कि ये पॉइंट, दो पॉइंट, तीसरा पॉइंट, चौथा पॉइंट, ये जो है ये
ये स्फीयर में लाए कर रहे हैं, रेडियस भी निकालना है। तो भाई सीधी सी बात है कि अगर ये स्फीयर में लाए कर रहे हैं, इसका मतलब अगर हम सेंटर से इसका डिस्टेंस निकालेंगे, सेंटर से पॉइंट बना देता हूं पहले, ए बी सी डी, और ए पॉइंट आपको दिया हुआ है, इसके पॉइंट बता देता हूँ, ये 3 2। कई लोग कहते हैं आप सवाल क्यों नहीं लिखते हो, आडी शर्मा की किताब है भाई, वो बिकती है, अगर मैंने सवाल लिख दिया तो वो कल को मेरे पे केस कर देंगे। -1 4 2, और सी पॉइंट क्या हो गया आपका 0 0 5 6 5 6, एक और दिया हुआ है आपको 2 1 2 2 1 2 1 और 2। अब वो करना क्या है, देखिए सिंपल सी बात है, अगर ये सेंटर आप बोल रहे हैं कि भाई हमारा ये पी है, तो आप पहले पी ए निकाल लीजिए, डिस्टेंस फॉर्मूला से निकाल लेंगे ए पी या पी ए, फिर आप बी पी या पी बी निकाल लीजिए, फिर आप पी सी या सी पी निकाल लीजिए, फिर आप पी डी या डी पी निकाल लीजिए, डिस्टेंस फॉर्मूला डायरेक्ट लगाना है। तो अगर आप देखेंगे कि सब सब के जो अनुमान, मतलब जो सबका जो वैल्यू है, अगर एवेल्युएट करेंगे सब 3 आ रहा है, यानी कि ये भी 3, ये भी 3, ये भी 3, ये भी 3, इसका मतलब ये रेडियस है स्फीयर का, और रेडियस कितना है 3, ये इसका उत्तर। अगला सवाल है सवाल संख्या 15 8 16, एक और इसका करेंगे। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट हु इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द 4 पॉइंट्स। आपको ऐसा पॉइंट निकालना है जिसका डिस्टेंस इन चारों पॉइंट से बराबर हो, बराबर हो। तो इसमें आपको जो तरीका है वो मैं बता देता हूँ, कॉन्सेप्ट बता देता हूँ, आपको क्लियर समझ में आ जाएगा क्या करना है। देखिए हमारे पास एक पॉइंट है और पॉइंट है P, उसको हम लेंगे X, Y और Z, राइट। अभी इक्विडिस्टेंस है किससे, O, A, B, C से। तो पहले आपका ये हो गया O, ये हो गया A, B, मुझे नहीं पता कहाँ पॉइंट है, मैं बस बना रहा हूँ, O, A, B, C, O, A, A है आपका 2, नहीं वो तो 0, 0, 0 है, 0, 0, 0, ये O पॉइंट है, फिर आपका है A पॉइंट 2 0 0, फिर है आपका B पॉइंट 0 3 0, फिर है आपका C पॉइंट 0 0 8। आपको क्या क्या करना है, सबसे पहले आप, क्योंकि सब ये बराबर है सारे के सारे, तो पहले O O P, अब देखिए ये 0 0 है तो X माइनस 0 होल स्क्वायर, Y माइनस 0 होल स्क्वायर, Z माइनस 0 होल स्क्वायर, अंडर रूट करेंगे तो X स्क्वायर Y स्क्वायर Z स्क्वायर आएगा। अगर मैं O P बनाऊं ये क्या आएगा, अंडर रूट एक्स माइनस जीरो होल स्क्वायर, वाई माइनस जीरो होल स्क्वायर, जेड माइनस जीरो होल स्क्वायर, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जीरो प्लस जेड स्क्वायर आ गया। ऐसे ही अगर मैं बनाऊं वो ए पी, ठीक है ए पी, तो क्या बनेगा 2 माइनस x या एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस जीरो का होल स्क्वायर, तो वाई स्क्वायर हो गया, और जेड माइनस जीरो का होल स्क्वायर जेड स्क्वायर हो गया, हो गया ए पी। तो ए पी जब हमने बना दिया ए पी अंडर रूट, अगर मैं ओपी स्क्वायर कर दूं और एपी स्क्वायर कर दूं तो केवल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर हो जाएगा, जो कि यहां देख रहे हैं आप, और ये हो जाएगा एक्स माइनस टू होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, जो कि एपी स्क्वायर यहां पर आप देख रहे हैं। अब मैं यहां से बताता हूं आपको, देखिए यहां पर जब हमने इसको ओपी और एपी को बराबर किया, स्क्वायर भी कर दिया, तो यहां देखिए वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर कट गया, एक्स स्क्वायर बराबर एक्स माइनस टू होल स्क्वायर आ गया, तो इससे हमें एक्स मिल गया, एक्स बराबर 1, एक्स आ गया। अब आइए ओपी और बीपी पे, बार बार ओपी से करिएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर किससे, आप बीपी से, बीपी क्या होगा एक्स माइनस जीरो होल स्क्वायर, वाई माइनस थ्री होल स्क्वायर, जेड माइनस जीरो होल स्क्वायर। देखिए यहाँ एक्स दिया है, वाई दिया है, यहाँ जेड दिया है, इसीलिए सवाल में दिया हुआ है, ताकि यहाँ से एक्स निकला है, यहाँ से वाई निकला है, तो यहाँ से जेड निकला है, बस यही करना है आपको। तो अगली बार क्या करेंगे, यहाँ से क्या क्या कट जाएगा, जेड कट जाएगा, एक्स कट जाएगा, केवल वाई बचेगा, तो वाई 3/2 आएगा। तीसरे वाले में क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर को करेंगे, एक्स माइनस जीरो होल स्क्वायर, वाई माइनस जीरो होल स्क्वायर, जेड माइनस 8 होल स्क्वायर, जिससे एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कट जाएगा, जब बराबर करेंगे तो केवल जेड स्क्वायर बचेगा, मतलब जेड वाला पार्ट बचेगा, जेड स्क्वायर जेड स्क्वायर भी कैंसिल हो जाएगा, जेड इससे फुल आ जाएगा, आपका एक्स वाई जेड 1 3/2 4 इस तरीके से। ये बहुत संभाल के सवाल बनाया गया है, क्योंकि देखिए यहाँ पर एक्स वैल्यू है, यहाँ वाई वैल्यू है, जेड वैल्यू है, कि पहली इक्वेशन से एक्स मिल जाए, दूसरी इक्वेशन से वाई मिल जाए, तीसरी इक्वेशन से आपको जेड मिल जाए। अब
ये जो सवाल है यह है 16वां सवाल। तो 16वां सवाल ये हम और कर लेते हैं, क्यों? क्योंकि 17 के बाद सारे जो क्वेश्चन है वो एनसीईआरटी के हैं 17 के बाद, तो इसको और कर लेते हैं। इसमें कहा गया है कि इफ ए बी आर टू पॉइंट्स, ए आपको दिया है एंड बी, ये आपको एक पॉइंट दिया है। ए पॉइंट जो आपको दिया है -2, 2 और 3, बी पॉइंट आपको दिया है 13, -3 और 13। ये जो ए और बी पॉइंट्स है, आपको लोकस बताना है एक पी पॉइंट का, वो इस तरीके से है कि 3PA = 2PB। ये पी पॉइंट है, आप पहले तो AP निकाल लीजिए, AP निकाल लीजिए, वो आएगा ये XYZ मान लीजिए, तो x --2x + 2² y -2² z -3² ये हो गया अंडर रूट। अब PB निकाल लीजिए, ये क्या होगा x -13² y -3 + 3² z -13² ये हो गया। और ये थ्राइस है, ये 3 गुना PA और ये ट्वाइस 2 गुना PB, दोनों साइड स्क्वायर कर लीजिए, दोनों साइड स्क्वायर करेंगे तो अंडर रूट हट जाएगा। अब आपको कुछ नहीं करना है, इसमें केवल रीअरेंजमेंट करना है, जो मैंने आपको पहले भी कई बार बताया है, तो आपको बस रीअरेंज करना है। ये जो फाइनल इक्वेशन आएगी यही लोकस है, ठीक, x² का टर्म x² के साथ, y का y² का y² के साथ, x, y, z एक साथ, इस तरीके से आपस में इसको सब रीअरेंज करिए, ये इक्वेशन आएगी, यही लोकस है इसको। बेसिकली इसमें डिस्टेंस ये और ये दोनों डिस्टेंस महत्वपूर्ण है, बाकी सब चीज़ें केवल एल्जेब्रिक्स के लिए आपकी। अब जो अगले सवाल आ रहे हैं 17 सवाल से लेकर 24वें सवाल, ये सारे NCERT के सवाल हैं, ध्यान रखिएगा, बहुत ध्यान से अगली बार देखिएगा, नेक्स्ट वाला जो मैं बताऊंगा वो सारे NCERT के सवाल हैं। बहुत शुक्रिया।